सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने को कालादम करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि आम शहरियों के मुकदमात को फौजी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद के मुकदमात फौजदारी अदालतों में चलाने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आमरियत का दरवाज़ा बंद हो चुका मगर फिर एक नई तर्ज की आमरियत शुरू हो गई है। इलेक्शन में ताखिर का मतलब इलेक्शन से इनकार है, फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को बेदखल करने के लिए हुकूमत ने एक और फैसला किया है। 1 नवंबर से फॉरन एक्ट के तहत बेदखली ऑर्डर जारी करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने फॉरन एक्ट 1946 का सेक्शन 3 नाफिज करके मंजूरी दे दी। वजारत कानून की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल की। और घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी कर दी गई है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमसाद अख्तर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी ECC के इजलास में घरेलू व कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है।